है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 9:30। बस आज मैंने थोड़ा लेट हो गया मेरे को, क्योंकि कल का जो ब्लॉग था, कल का जो वीडियो था, तो अभी अपलोड करते करते 9:15 हो गई, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था एडिटिंग के बाद, और कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था। वो बोल रहा था कि रेजोल्यूशन हाई हो रहा है, रेजोल्यूशन लो हो रहा है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। तो इसलिए 9:15 पर मैंने अपलोड किया। बस अभी बस ब्रश ब्रश करके मैं रेडी हो चुका हूँ। जोर से भी भूख लगी है। कल रात को मैंने कुछ नहीं खाया था, और खाया था सिर्फ ही वो जो सूजी का काकरा बनाया था भाभी ने, बस दो चार खाया था। बस अभी बहुत जोर से भूख लगी है। मम्मी ने कुछ मछली खरीद के लाया है, समुद्र का मछली, और उसे भाभी फ्राई कर रही है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए भाभी फ्राई कर रही है मछली। ये देखिए समुद्र का छोटा छोटा मछली। बस खाएंगे, अभी खाएंगे जो पोखड़ खाएंगे, हमारा जो उड़िया में खाते हैं पोखड़, पानी भात खाएंगे अभी। बस पकाल के साथ वो छोटा छोटा मछली फ्राई खाएंगे। चलिए पहले खा लेते हैं। फिलहाल अभी खाते हैं भात, वो पकाल खाते हैं, पकाल के साथ मछली भजा। ये देखिए मछली भजा और पकाल खाते हैं। और हम दोनों के लिए तो भाभी लेके आ चुकी है, लेकिन और मम्मी जी और भाभी वो नहीं लाए। वो गेलू को खिलाने के बाद वो आंगनबाड़ी जाएगा, इसलिए मेरे को और गेलू को पहले दे दी खाना। तो पहले खा लेते हैं, फिर आंगनबाड़ी जाएगा गेलू। चलिए ये रहा गेलू, ये देखिए गेलू। हाय कर लो, हाय कर लो। गेलू थोड़ा रुड़ चुका है, क्योंकि वो आंगनबाड़ी नहीं जाएगा, इसलिए वो रुड़ चुका है। फिलहाल गेलू आंगनबाड़ी जा चुका है, मैं उसको थोड़ा बहुत खिला दी, और भाभी ने उसे लेके गया आंगनबाड़ी छोड़ने के लिए। बस भाभी आने के बाद हम खाएंगे, और मम्मी जी गए थे मंदिर में, वो भी आ रहे हैं, मैं भी वेट किया हूँ उनके लिए। बस साथ में खाएंगे मिलके। हमारा गांव का जो ब्रेकफास्ट होता है यही होता है, और कभी कभी हम लोग वो पकड़ खाते हैं और कुछ भजा वजा बना के खाते हैं। और गांव का आप लोग तो जानते ही हो, और विलेज लाइफ ऐसा ही होता है। विलेज में सारे लोग तो सुबह सुबह उठ के वो और पकड़ वगैरह खा के काम पे जाते हैं, और इसीलिए और शहर का लाइफ कुछ अलग होता है। शहर का लाइफ सुबह सुबह कुछ और स्नैक्स बनती है, कुछ ज़्यादा कुछ अलग अलग टाइप का ब्रेकफास्ट बनती है, लेकिन हमारा गांव का जो खाना है यही तो है, पकड़ और मछली भजा, और कभी कुछ भजा कुछ साग ऐसा बनता है। चलिए खाते हैं अभी। चलो फाइनली भाभी और मम्मी जी आ चुके हैं, बस करते हैं अभी फर्स्ट ब्रेकफास्ट, पकड़ और मछली भजा। ये देखिए सुबह सुबह मैंने मछली खरीद के लाया है, और जो मछुआरे जो आते हैं ना गांव में मछली बेचने के लिए, मैंने उसे खरीदा है। वो जो छोटा छोटा मछली, ये जो मछली है वो थोड़ा कांटा वाला मछली है, इसलिए हमने ये वाला जो तेलापिया मछली एक मछली रखा है गेलू के लिए, गेलू इसे खाएगा, इसमें कांटा नहीं होता, इसलिए खरीद के लाया है मम्मी जी ने। तो ये वाला जो मछली बापू जी ने सुबह सुबह खेत में गए थे, तो खेत से पकड़ के लाए। देखिए छोटा छोटा वो देसी मछली बैठ के उसे बना रहे हैं। ये देखिए बाबा ऐसा
आज दोपहर में बनेगी मछली करी। ये है तेलापिया मछली जो मम्मी ने खरीद के लाया था वो मछुआरे से, और बाबूजी ने लाया था जो छोटा छोटा दो चार मछली खेत से लाए थे वही वाला मछली आज बनेगा दोपहर में। फिलहाल अभी मछली फ्राई तो हो चुकी है, देखिए मछली फ्राई बन चुकी है। और ये जो फ्राई हुआ हुआ मछली इसे आज बनेगा करी। ये जो मछली भाजी ने डाला है इसे खट्टा बनेगा। मछली खट्टा बन के रेडी, मुंह में पानी आ चुका है, खाएंगे। आज बनेगा एकदम देसी स्टाइल मछली करी पूरा विलेज स्टाइल में। ओ, ओ, जिसे हम बोलते हैं एलिफेंट एप्पल, बस उसकी करी बनेगा। बस मछली डल चुकी है, फाइनली मछली करी बन चुकी है। बस अब चलते हैं, थोड़ा नहा धो के रेडी होते हैं, दोपहर में लंच करेंगे मछली करी और राइस। फाइनली भाभी ने बना चुका है मछली करी, चलिए चलते हैं अंदर। फिलहाल मछली करी बन के रेडी हो चुकी है, चलिए थोड़ा नहा धो के फ्रेश होते हैं और करते हैं लंच। लंच में बनी है तेलापिया मछली की करी और समंदर की मछली की खटा, खाएंगे मस्त। चलिए चलते हैं। मोबाइल तो नेट नहीं पड़ चाहिए, फिलहाल करते हैं लंच। ये देखिए मेरा लंच में आ चुका है मेरा करी और यह रहा राइस, गेलुअर में खाएंगे साथ में। ये देखिए ये रहा तेलापिया मछली, ये है तेलापिया मछली। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है शाम को 5:30, बस अभी हम थोड़ा मार्केट जाएंगे क्योंकि गेलू का कुछ लिखने का सामान जो चौक वगैरह नहीं है, तो इसलिए चौक वगैरह लाने के लिए जाएंगे। और गेलू बोल रहा है कि कुछ खाएगा बाहर का खाना, वो तो बहुत दिन से कुछ बाहर का खाना नहीं खाया। वो कल भी गया था मेरे साथ बालेश्वर लेकिन कुछ नहीं खाया, तो आज बोल रहा है कुछ खाएगा,
चलिए उस लेके जाते हैं उसको, और बाहर का खाना कुछ ले खिला के रहते हैं। चलिए अब निकलते हैं जल्दी, फिर आने के बाद गेलू पढ़ाई करेगा, क्योंकि उसका सार ने ट्यूशन सार ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई दी है और वो शाम को पढ़ाई करेगा। तो चलिए और आने के बाद गेलू का पढ़ाई करेंगे और अभी जाएंगे चौक वगैरह लाने के लिए। चलिए चलते हैं अभी। फाइनली पहुंच चुके हैं अभी मार्केट। मार्केट में खाएंगे अभी चाउमीन और खाने के बाद जाएंगे घर। और गेलू का चौक वगैरह ले लिया है, ये देखिए ये भाई बना रहे हैं हमारे लिए चाउमीन। ये जो मार्केट है हमारा घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और आज हम यहाँ से खाएंगे। फिलहाल अभी गेलू को पढ़ाता हूँ, ये देखिए गेलू का होमवर्क कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ अभी होमवर्क। और गेलू कर रहा है पढ़ाई, बस बहुत सारा पढ़ाई दिया है सर ने, और आंगनवाड़ी दीदी ने कुछ भी पढ़ाई दिया है तो वो सुबह करेगा, बस अभी ट्यूशन का होमवर्क करता है। फाइनली टाइमर आए रात को 10, करते हैं डिनर। डिनर में बनी है रोटी और दूध, और साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को एंड करते हैं, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।